देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बच्चों से भरी स्कूल वैन का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 8 बच्चे घायल हो गए जबकि स्कूल वैन चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक गाय स्कूल वैन के सामने आ गई थी जिसके चलते वैन का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई। हादसा होते ही आसपास के लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू किया। हादसे में कैब के ड्राइवर के अलावा स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाईपास पर स्कूल वैन का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वैन के आगे अचानक गाय आ गई थी जिससे बैलेंस बिगड़ गया और वैन कार से टकरा गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कुछ बच्चों को चोट आई है जिनका इलाज जारी है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।